सो हे गाइज, व्हाट इज़ अप, माय नेम इज़ निलेश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ होंडा साइन 125। और ये रिव्यू हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मैं रिव्यू ये दोबारा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास है एक स्पेशल कलर जो कि है मैट एक्सिस ग्रे, जो कि आप पीछे देख सकते हो। और अगर आप लोग होंडा का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो आप रघुवीर होंडा को कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी जो सारी कांटेक्ट डिटेल है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहां से जाकर के चेकआउट करिएगा। और अगर गाड़ी पसंद आती है तो ज़रूर लीजिएगा। और चलिए इस वीडियो को अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले करते हैं इस मोटरसाइकिल का वॉक अराउंड। और इसका जो आपको प्राइस है वो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। और आ जाते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल में, तो यहाँ पर आपको हैलोजन हेडलैम्प देखने को मिलता है, साथ में ये क्रोम की ट्रीटमेंट देखने को मिल जाती है, और ये ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं जो कि इसको काफ़ी बढ़िया सा लुक प्रोवाइड करते हैं। और नीचे की तरफ आपको मैट कलर में पेंटेड मिलेगा मडगार्ड, और सामने यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। और फ्रंट में ही आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। और इसके टायर सेटअप के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 80/18 का आगे टायर देखने को मिलता है। और आ जाते हैं इसके टैंक की तरफ, तो यहाँ पर आपको मिलता है होंडा की 3D ब्रांडिंग, और ये ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। और इस टैंक की जो कैपेसिटी है 10.5 लीटर्स की है। और इसके साइड पैनल में आपको 125 सीसी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, साथ में ये क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको साइन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और साथ में पीछे की तरफ आपको बल्ब टाइप का टेल लाइट देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल इसके लुक के बारे में बात करें तो लुक बहुत ही बढ़िया है। और ख़ासतौर पर ये जो पेंट स्कीम आप देख रहे हो, इसकी वजह से इस मोटरसाइकिल का जो लुक है ना, बहुत ज़्यादा रिफ्रेश हो रहा है। और आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इसका जो लुक है वो कैसा लग रहा है आप लोगों को। एंड गाइस, इसके राइडिंग डैशबोर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको टोटली एनालॉग सिस्टम देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको स्पीड और ओडोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर और साइड स्टैंड का भी लाइट मिल जाता है। और यहाँ पर आपको इंजन मैल फंक्शन का लाइट, न्यूट्रल का लाइट और इंडिकेटर एंड हाई बीम लो बीम का लाइट भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर भी आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और साथ में यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच इंटीग्रेटेड देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट और किल स्विच एक साथ ही है। और इधर की बात करें तो यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर और हॉर्न के स्विच देखने को मिल जाते हैं, साथ में यहाँ पर आपको पासिंग का और हाई बीम लो बीम का टोंगल वाला स्विच देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। और कुछ इस तरह के मिरर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और पीछे वाले सेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक टाइप के स्प्रिंग वाले सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। और अगेन आपको 80/18 के ट्यूबलेस टायर पीछे भी देखने को मिल जाते हैं। और उस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको बढ़िया सा साड़ी गार्ड देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको फाइबर का चैन कवर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से होगा क्या कि आपका जो चैन का नॉइस है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है। और इस तरफ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 125 सीसी का इंजन। अभी हम लोग इसको चला के देखेंगे, उसी टाइम मैं इसके स्पेक के बारे में आपसे बात करूँगा। और साथ में यहाँ पर आपको साइड स्टैंड कटऑफ इंजन स्विच मिल जाता है, जिसकी वजह से अगर आप इसमें साइड स्टैंड लगाते हो तो बाइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। और इस मोटरसाइकिल के साथ आपको काफ़ी वाइड एंड लॉन्ग टाइप की सीट देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसमें राइडर और पिलियन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। और साथ में यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल भी देखने को मिलता है, जिसको लेडीज़ वगैरह होल्ड कर सकती हैं। और जिस तरह से इसकी हैंडल की पोजिशन की गई है, तो इसमें आप टोटली अपराइट बैठोगे, इसमें आपको किसी भी तरह का रिस्ट पेन और बैक पेन वगैरह कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है। और इस मोटरसाइकिल में कुछ इस तरह का आपको एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, और मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ कि ये कैसा साउंड करती है। सो बाइक है हमारी न्यूट्रल पे, और मैं दबाता हूँ सेल्फ, और ये मोटरसाइकिल आती है साइलेंट स्टार्ट सिस्टम के साथ, तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती क्योंकि इसमें सेल्फ रोटर नहीं लगा होता है। और स्टार्ट करते हैं अब इसको, तो कुछ इस तरह से स्टार्ट हो जाती है, और मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। तो कुछ इस तरह का इसका एग्जॉस्ट नोट है, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है, किसी भी तरह की लाउड साउंड नहीं करती है, ना तो किसी भी तरह की आपको हार्श साउंड देखने को मिलेगी। और चलिए गाइस, अब इस मोटरसाइकिल को फटाफट से चला के देखते हैं, और आपको मैं राइडिंग एक्सपीरियंस बताता हूँ, साथ में इसके ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं और कितनी कम्फर्टेबल है ये मोटरसाइकिल, इसके बारे में भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बाइक को और चलते हैं रोड की तरफ, इसको टेस्ट करने की इसकी जो इंजन की परफॉर्मेंस है और ओवरऑल जो राइड क्वालिटी है वो कैसी है। तो लेट्स गो। और मैं स्टार्ट करता हूँ इसके इंजन से, तो इसका जो इंजन है 123.94 सीसी का इंजन इसमें आपको देखने को मिलता है, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 7.9 किलोवाट की पावर 7500 RPM पर। और जो इसका टॉर्क है वो बहुत ही अच्छा है, 11 न्यूटन मीटर 6000 RPM पर प्रोड्यूस करती है। तो ये मोटरसाइकिल ना इनिशियल इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कह सकते हो आप, और ये बहुत अच्छे से पुल करती है। एंड इसके गियरबॉक्स के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको 5-speed गियरबॉक्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। थोड़ा सा और स्मूथ हो सकता है, लेकिन
देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट है और बढ़िया काम करता है, और पिकअप मुझे बहुत ही शानदार लगा इसका। और इस मोटरसाइकिल के साथ आपको किक और सेल्फ दोनों ही ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही इसमें आपको प्रोग्राम्ड FI का सिस्टम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसकी जो माइलेज है वो आपको लगभग 60 से 65 की MPL ईजिली निकाल देगी। क्योंकि इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि इसका जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, इस वजह से ये माइलेज बहुत ही अच्छा प्रोड्यूस करती है। और इसके सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करें गाइस, तो इसका जो सस्पेंशन सेटअप है बहुत ही सॉफ्टर साइड पे है, मतलब उतना भी सॉफ्टर नहीं है लेकिन है सॉफ्टर साइड में, आपको कोई भी जो गड्ढे वगैरह हैं वो आसानी से ये क्रॉस कर लेती है। तो इसकी जो ओवरऑल जो राइड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 162 mm का है, जिसकी वजह से इसकी जो ब्रेकर वगैरह क्रॉस करने की कैपेसिटी है वो भी ठीक है, इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से काफ़ी अच्छे से ये निकल जाती है। और इसको हैंडल करना और मनूवर करना बहुत ही आसान है इस मोटरसाइकिल को, कहीं भी आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ में इसके अगर मैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूँ, तो ये मोटरसाइकिल जिस हिसाब का परफॉर्मेंस देती है उसी हिसाब का इसका जो ब्रेकिंग का फीडबैक है और जो स्टॉपिंग पावर है वो बहुत ही अच्छी है। आप जब भी इसका ब्रेक दबाओगे फ्रंट वाला, अगर आपके पास डिस्क वाला वेरिएंट है, तो आपको बहुत अच्छी बाइट देखने को मिलेगी और बहुत अच्छे से रुकती है, कहीं पे भी ये डिसबैलेंस वगैरह नहीं होती है। और साथ ही साथ जो इसकी सीट हाइट है 791 mm है, तो इसकी वजह से ये होगा कि जो शॉर्ट राइडर है और टॉल राइडर है दोनों ही इस मोटरसाइकिल को आराम से चला सकते हैं, और ये मोटरसाइकिल चलाने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि इसका जो राइडिंग पोजीशन है बहुत ही ज़्यादा अपराइट है, जो कि अर्लियर मैंने इसके बारे में बात की थी। ओवरऑल जो इंजन का पंच है और थ्रस्ट है और जो बैकग्राउंड में जो नॉइस करती है गाड़ी, वो इन सब चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन बन के जो कानों तक आवाज़ आती है वो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग लगती है। और मुझे लगता है कि जो बिल्ड क्वालिटी के मामले में अदर मोटरसाइकिल्स जो मार्केट में आ रही हैं उनसे इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, चाहे आप इसकी प्लास्टिक क्वालिटी देख लें, चाहे इसकी मटेरियल की क्वालिटी देख लें, मेटल की क्वालिटी देख लें, तो ओवरऑल जो क्वालिटी है इस मोटरसाइकिल में वो आपको हर जगह देखने को मिलेगी, मतलब कहीं पे भी इसमें चीप पार्ट्स यूज़ नहीं किए गए हैं, इसीलिए थोड़ी सी ये एक्सपेंसिव पड़ती है, बट ये आपके जो पूरे पैसे लग रहे हैं उसको वर्थ करेगी। ओवरऑल पूरी मोटरसाइकिल को अगर मैं समराइज़ करूँ, तो बाइक की जो राइड क्वालिटी है और ओवरऑल जो अपीयरेंस के साथ ये जो आती है मोटरसाइकिल, काफ़ी बढ़िया है। आप इसको किसी भी तरह में यूज़ कर सकते हो, फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी गाड़ी है, अगर आप बिज़नेस भी करते हो या ऑफिस जाने के लिए मोटरसाइकिल चाहिए जिसमें आपको अच्छा सा माइलेज देखने को मिल जाए, साथ ही आपको काफ़ी बढ़िया से रिलायबिलिटी और ज़्यादातर सर्विस सेंटर के चक्कर नहीं लगाने पड़े, तो डेफ़िनेटली आप इस मोटरसाइकिल की तरफ जा सकते हो। और इसमें जो मिरर मिलते हैं आपको बाइक के साथ, इसमें काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी भी आपको देखने को मिलती है। हालांकि इस मोटरसाइकिल में बहुत ज़्यादा मॉडर्न टाइप के फीचर्स नहीं हैं, जैसे कि माइलेज इंडिकेटर और रियल टाइम माइलेज और ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जैसे कि अदर ब्रांड दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब फीचर्स का भैया कोई काम नहीं है। अगर आप उनके नंबर्स ही देखते रहोगे ना दिन भर, तो सिरदर्द हो जाएगा कि पता नहीं कितना ही माइलेज दे रही है, क्योंकि मशीन अपना सेंस लगा सकती है लेकिन जो इंसान है वो ज़्यादा अच्छे सेंस लगा सकते हैं कि रियल लाइफ में कितना माइलेज देती है, क्योंकि हम कैसे चलाते हैं वो हमको पता है ना। तो अगर आप लोग इस बात से एग्री करते हो, तो थोड़ा सा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या ये मैंने बात आप लोगों से सही बोली है कि नहीं। तो चलिए गाइस, अब इसके फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये मोटरसाइकिल आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो गाइस, इस मोटरसाइकिल के फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करें, तो ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिनमें किसी भी तरह के नॉनसेंस फीचर्स नहीं दिए गए हैं, और ये मोटरसाइकिल होंडा का प्रोडक्ट है, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है और जो राइड क्वालिटी है बहुत ही कमाल की है। इसमें आपको किसी भी तरह की ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी जो कि यूजलेस इसमें दी गई हो, और ये गाड़ी बनाई गई है बिल्ड टू लास्ट, यानी आप इसको बहुत सारे किलोमीटर्स क्लॉक कर सकते हो और इनमें जो है ज़्यादा आपके काम वगैरह नहीं निकलेंगे। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, ऑलवेज वियर हेलमेट एंड सेफ राइड, एंड फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ।